हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं किस तरह से आप आपके कंप्यूटर सिस्टम पे यूनिकोड और मंगल फॉन्ट और गेल लेआउट पे टाइप करेंगे या कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो देखिएगा, लाइक आपका विंडोज 10 है, कोई भी वर्जन है, नए कंप्यूटर पे अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आप सबसे पहले उसका सेटअप और एग्जीक्यूटिव फाइल इंस्टॉल करते हैं। इसे रन कराने के बाद जैसे आप आपके कंप्यूटर पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा कि आप किस पे करना चाहते हैं। लाइक अगर आप इस पे करेंगे टाइप, तो लाइक मैं के दबा रहा हूँ तो का आ रहा है, या डी दबाने पे द आ रहा है। तो आप देख पाएंगे कि ये जो अभी यहाँ पे सेटिंग है ये अभी ट्रांसलेशन वर्जन पे है। तो इसे आप गेल लेआउट पे टाइप करने के लिए आपको कुछ सेटिंग करनी होगी। तो आप जा सकते हैं, जो आपका यहाँ पे लैंग्वेज बार है, हिंदी का ऑप्शन है, यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंसेस का ऑप्शन देख रहे हैं, या फिर आप सेम जा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, या फिर आप जो सर्च बार है यहाँ पे आप लैंग्वेज टाइप कर देंगे तो लैंग्वेज सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप सीधा वहाँ पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, चूज एन इनपुट मेथड टू ऑलवेज यूज एज डिफॉल्ट। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस रहेगा। तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में ये जो दोनों ऑप्शन हैं, जैसे स्विचिंग इनपुट मेथड्स में, तो ये दोनों डिसेबल हो, तो आप दोनों इनेबल कर लीजिए। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जो पहला ऑप्शन है ये है कि अगर आप गूगल क्रोम पे, एमएस वर्ड पे, नोटपैड पे कहाँ टाइप कर रहे हैं वो हर जगह अलग अलग आपका चेंज होता जाएगा। मतलब कोई भी आप अलग अलग, चाहे गुरुदेव में या फिर यूनिकोड में, अलग अलग ऐप में अलग अलग टाइप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जब कभी अवेलेबल रहे आपका ये लैंग्वेज बार का ऑप्शन तो आप वहाँ पे टाइप कर लीजिए। तो देखिएगा, अभी आपके सामने यहाँ नहीं दिख रहा है। तो कई बार क्या हो जाता है कि लैंग्वेज बार ऑप्शंस में आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस रहता है कुछ आपका लाइक हिडन है। अगर हिडन ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है तो आप यहाँ पे कहीं भी हिंदी या इंग्लिश का चेंज करने का ऑप्शन नहीं देख पाएंगे, बशर्ते कि आप जो शॉर्टकट की असाइन किए हैं उससे आप मूव कर सकते हैं। तो आप करेंगे क्या, आप जाएंगे वापस वहीं पे, लैंग्वेज बार ऑप्शंस है, यहाँ पे आप इसे कर सकते हैं डॉक्ड इन द टास्क बार और फ्लोटिंग ऑन डेस्कटॉप। चलिए मैं फ्लोटिंग ऑन डेस्कटॉप करूँगा तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, देन ओके कर दीजिए। इसके बाद जो आपका ये ऑप्शन सिलेक्टेड है तो आप देख पाएंगे यहाँ पे इंग्लिश इंडिया आ रहा है। आप अकेन जाइए आपके कंप्यूटर पे, या फिर आप जा सकते हैं एमएस वर्ड पे, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे पहले इंग्लिश सिलेक्ट था, आप इसे हिंदी कर लेंगे, हिंदी इंडिया है यहाँ पे ऑप्शन, और इसके बाजू में यूएस का कीबोर्ड है, तो आप कीबोर्ड भी यहाँ पे चेंज कर लेंगे। हिंदी इंडिक इनपुट 3 पे जाएंगे एंड यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइक गेल अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया था, ये हिंदी ट्रांसलेशन पे बाय डिफॉल्ट ये सेट रहेगा, तो आप यहाँ पे जो भी चाहें तो उसे आप यूज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ पाए होंगे किस तरह से आप यूनिकोड और रेमिंगटन, गेल, इनस्क्रिप्ट, कोई भी लेआउट आप कैसे आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके स्विच करते हैं एंड कैसे आप इसका यूज करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो आप उनसे आस कर सकते हैं। धन्यवाद।